शाहरुख खान की राह पर चल पड़े भाईजान सलमान खान, सिकंदर से खुद का मुकद्दर चमकाने के लिए बना लिया ऐसा मास्टर प्लान, अब टूट जाएगा सभी फिल्मों का रिकॉर्ड। ये तीन वजह जो सिकंदर को बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म। हिल जाएगा बॉक्स ऑफिस, टूट जाएगा रिकॉर्ड मापने का थर्मामीटर। अब सलमान के पीछे लग जाएंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन। कई साल बाद मिलेगा डायरेक्टर को सलमान का साथ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म ला रहे हैं सलमान। बॉलीवुड में काम करने के लिए तड़पेंगे हॉलीवुड के बड़े से बड़े अभिनेता। बंद हो जाएगी साउथ सिनेमा की दुकान। शाहरुख, अक्षय कुमार क्या बॉलीवुड के भाईजान तोड़ देंगे आमिर खान की सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड। सामने आ गई तीन बड़ी वजह। अचानक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म सिकंदर से अपना मुकद्दर चमकाने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया है, जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े अभिनेता का माथा ठनक गया है। अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे शाहरुख खान ने भी यही मास्टर प्लान बनाया था, जिसकी वजह से शाहरुख खान का डूबता हुआ करियर ऐसे चमका कि एक बार फिर बॉलीवुड के बादशाह ने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली थी। अब शाहरुख खान की तरह बॉलीवुड के भाईजान सलमान भी वही करने वाले हैं। इसके लिए लोग कह रहे हैं कि सलमान खान की सलमान का ऐसा मुकद्दर चमकाएगी कि साउथ सिनेमा से लेकर हॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपरस्टार फिल्म मेकर सलमान के घर पर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। आखिर इस फिल्म में क्या है, क्यों लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? सलमान के अंदर वो कौन सी काबिलियत थी जिसकी वजह से सिकंदर इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है? तो चलिए आपको विस्तार से तीन बड़ी बातें बताते हैं। सलमान खान को अपने फैंस का दिल जीतने के लिए अब महज फिल्मों की जरूरत नहीं है। अपने तीन दशक के करियर में सुपरस्टार ने इतनी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं कि अब डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए सालों साल तक इंतजार करते हैं। सलमान इन दिनों सिकंदर पर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भाईजान की दो पसलियां टूट चुकी हैं, लेकिन अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर उनका पूरा फोकस है। सिकंदर के साथ सलमान खान ने तीन बड़े दांव खेले। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के लिए भाईजान ने इस बार साउथ इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा दिखाया है। सलमान खान को लेकर कहा जाता है वो अक्सर डायरेक्टर से कहकर कोई न कोई बदलाव करवाते रहते हैं। कई दफा तो डायरेक्टर और राइटर को सलमान की यह हरकत पसंद नहीं आती। भाईजान तो कोरियोग्राफर के साथ भी डांस स्टेप भी चेंज कर देते हैं, लेकिन सिकंदर के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सलमान खान आंख बंद करके इस फिल्म की टीम पर भरोसा कर रहे हैं। अब उनके इस भरोसे को कितना फायदा मिलेगा ये तो अगले साल आने वाला समय बताएगा। तब तक हम आपको सलमान के तीन बड़े दांव बताते हैं जो सिकंदर को सबसे बड़ी फिल्म बना सकते हैं। सलमान खान को जब टाइगर 3 से निराशा हाथ लगी थी तो उन्होंने साउथ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर SR मुर्गदास के साथ काम करने का मन बनाया था। अब ये तो आप भी जानते हैं कि शाहरुख खान भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। कमबैक के दौरान शाहरुख खान ने साउथ के डायरेक्टर इटली के साथ फिल्म जवान की और उस पिक्चर ने 1100 रुपए कमा कर शाहरुख खान को इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बादशाह बना दिया। ऐसे में सलमान खान का पहला दांव ये है कि वो साउथ के डायरेक्टर के साथ सिकंदर पर काम कर रहे हैं। सलमान को पूरी उम्मीद है SR मुर्गदास पर खेला गया है, उनका ये दांव खाली नहीं जाएगा। सलमान खान ने साउथ के डायरेक्टर के साथ साथ सिकंदर के लिए साउथ की टॉप एक्टर रश्मिका मंदाना को चुना है। साउथ में रश्मिका मंदाना की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इससे पहले रश्मिका को रणवीर कपूर की एनिमल में देखा गया था। उन्होंने अपने काम से हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ की शानदार कमाई थी। ऐसे में सलमान खान का दूसरा बड़ा दांव रश्मिका मंदाना पर है। फैंस भी सलमान और रश्मिका मंदाना के साथ काम करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में सिकंदर के लिए ये जोड़ी लकी साबित हो सकती है। सलमान खान का तीसरा दांव काजल अग्रवाल पर है। उन्होंने सेकंड लीड एक्टर के तौर पर साउथ की हीरोइन को चुना है। सलमान खान ने बॉलीवुड की किसी एक्टर को अपने सिकंदर का हिस्सा नहीं बनाया है। काजल अग्रवाल बॉलीवुड की सिंघम और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। काजल साउथ की टॉप एक्टर में से एक है। उनका सलमान की फिल्म में होना सिकंदर के लिए लकी साबित हो सकता है। सिकंदर की शूटिंग हो चुकी है। रश्मिका और काजल ने भी पिक्चर की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म के सेट पर पहले दिन दोनों एक्टर्स का शानदार स्वागत किया गया। वैसे आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की ये फिल्म कितनी सुपर डुपर हिट होने वाली है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।